हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने फिल्मी रॉकेट चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साउथ इंडियन की टॉप 8 साइको किलर फिल्में जो आपके दिमाग को घुमा कर रख देगी और आपको लास्ट तक उलझा कर रख देगी। गाइस, ये टॉप 8 साइको किलर फिल्में आपको हिंदी में यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 पर फिल्म आती है अभय। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म में एक साइको किलर की कहानी दिखाई गई है जिसका किरदार कमल हासन ने प्ले किया है। दरअसल इस फिल्म में कमल हासन डबल रोल में है। फिल्म में नंदू और विजय भाई, जिनकी सौतेली माँ ने उनके बचपन के दिनों में दुर्व्यवहार किया था। नंदू जो मानसिक रूप से बीमार है, विजय के मंगेतर को मारने का फैसला करता है क्योंकि वह उसे अपनी सौतेली माँ के रूप में देखता है। हिंदी डब में इस फिल्म को यूट्यूब पर ही देख सकते हैं। फिल्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 7 पर फिल्म आती है वाइफ ऑफ राम। साल 2018 में रिलीज हुई एक सस्पेंस मूवी सेकंड हाफ में ही आपको चौंका देगी। फिल्म एक पत्नी के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने पति के कातिल को तलाश कर रही है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो दर्शक भी चौंक जाते हैं। ये फिल्म आपको हिंदी में सुपर ही देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 पर फिल्म आती है लाइन शिवा। 2016 में रिलीज हुई तमिल मूवी एक ऐसे युवा की कहानी है जिसकी आंखों की रोशनी जाने वाली है। अपने इलाज के लिए उसे पैसों की जरूरत है, जिसके खातिर वो क्या करता है यह फिल्म की कहानी में दिखाया गया, जो काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरपूर है। ये फिल्म ही आपको हिंदी में यूट्यूब पर ही देखने को मिल जाएगी। इस फिल्म की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाइस, नंबर 5 पर फिल्म आती है अछमिनदारी। फिल्म को साल 2016 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में आपको भर भर के थ्रिलर देखने को मिलेगा। फिल्म की कहानी की बात करूँ तो फिल्म में एक पुलिस वाली की और मिडिल क्लास लड़के की कहानी को दिखाया गया है, तो वो दोनों कैसे एक क्राइम केस को सुलझाते हैं वही आपको इस फिल्म में देखना है। फिल्म की डायरेक्शन और एक्टिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त दिखाई गई है। फिल्म को आप YouTube पर ही हिंदी में देख सकते हैं। फिल्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नंबर 4 पर फिल्म आती है केरला रात्रि। फिल्म को साल 2018 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म को हिंदी में घातक नाम से रिलीज किया गया था। इस फिल्म में आपको थ्रिलर के साथ साथ बेहतरीन सस्पेंस भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक फिल्म यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। नंबर 3 पर फिल्म आती है मुंबई पुलिस। फिल्म का नाम जरूर मुंबई पुलिस है, लेकिन ये साल 2013 में रिलीज हुई एक थ्रिलर मलयालम मूवी है जिसमें आपको पुलिस वाला अपने दोस्त के कातिल को ढूंढ रहा है। इस मिशन के बीच उसकी याददाश्त चली जाती है। उसके बाद वो कैसे उलझे हुए केस को सुलझाता है ये आपको इस फिल्म में देखना है। फिल्म की कहानी काफ़ी दमदार है, जो आपको लास्ट तक देखने को मजबूर कर। टू पर फिल्म आती है मिन्नल मुरली। टोमिनी थॉमस अभिनीत मलयालम सुपर हीरो की फिल्म मिन्नल मुरली। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म एक छोटे से शहर के एक दर्जी के बारे में है, जो बिजली के बोल्ट का झटका लगने के बाद वह सुबह सुपर पावर के साथ जागता है। फिल्म की स्टोरी काफ़ी दमदार है, जो आपको लास्ट तक देखने को मजबूर कर देगी। नंबर 1 पर फिल्म आते बेस्ट साइको किलर वाली मूवी रथ शासन। ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। अगर आप साउथ इंडियन फिल्में देखने के शौकीन है तो शायद आपने ये फिल्म देखी भी होगी। अगर आप ये फिल्म को नहीं देखा है तो आप जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म में आपको एक्शन, क्राइम और थ्रिलर देखने को मिलेगा। इस फिल्म की कहानी की बात करूँ तो कुछ इस तरह से होती है कि मर्डर पे मर्डर हो रहे होते हैं, वो भी बेरहमी से। उसके बाद पुलिस पता करना शुरू करती है। उसके बाद फिल्म में क्या क्या होता है वो तो आपको रत्सासन मूवी देखने के बाद ही पता चल पाएगा। रत्सासन मूवी को एंड तक काफ़ी चौंका देने वाली है, जो आपको लास्ट तक देखना चाहिए। ये फिल्म आपको YouTube पर ही हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी।